नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खबर शिक्षा से जुड़ी हुई है। आने वाले सोमवार को 24 जनवरी से स्कूल्स खुल सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र की जो है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि स्थानीय स्तर पर चर्चा के साथ अगर स्थानीय लेवल पर सब कुछ अच्छा होता है, कोरोना की परिस्थितियां अच्छी होती है तो स्कूल्स को खोल दिया जा सकता है, जिसमें कलेक्टर, आयुक्त, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला अधिकारी कार्यालय के लोग, विधायक, अभिभावक, स्कूल के मैनेजमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर आएँ और देखें कि क्या स्कूल शुरू हो सकती है, और अगर हो सकती है तो स्कूल को शुरू कर देना चाहिए। अभी क्या कहती हैं वर्षा गायकवाड़, ये सुन लेते हैं। पहले ते आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छिते की सातत्याने शिक्षक तज्ञ असतील किंवा त्या ठिकाणचे पालक असतील, समाज माध्यमातून असेल, विविध संघटनेच्या माध्यमातून असेल, सातत्याने मागणी होती, ज्याचा उल्लेख मी काल केला होता। आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही ज्या वेळेला सीओंशी म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची चर्चा केली होती आणि इतरही अधिकाऱ्यांची चर्चा केली होती, सगळ्यांचं एक म्हणणं आलं होतं की स्थानिक स्तरावरती हे अधिकार देण्यात यावेत। आणि तशा तऱ्हेचे मी आपल्याला सांगितलं होतं की काल आम्ही जी नस्ती होती, फाईल होती, ती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवली होती आणि शाळा ज्या आहेत त्या सोमवारी 24 तारखेला सुरू कराव्यात अशी आम्ही त्यांना विनंती केली होती। ती विनंती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य केलेली आहे आणि त्यामुळे मला आपल्या माध्यमातून सांगायला सर्वांना सांगायचे, पालक वर्ग असतील, स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी असतील, शिक्षक असतील, मुख्याध्यापक असतील आणि तिथलं असलेलं स्थानिक प्रशासन असेल, तिथले शिक्षणाधिकारी असतील, सीईओ असतील, कलेक्टर असतील, आयुक्त असतील, यांच्या माध्यमातून स्थानिक लेवलला जे आहे ते या संदर्भामधले निर्णय घेतले जातील। ज्या ठिकाणी रुग्णांची संख्या कमी असेल अशा ठिकाणी पूर्णपणे कोरोनाचा प्रोटोकॉल पाळून त्या ठिकाणी आम्ही जे एस ओ पीज दिले त्याचं कडेकोरपणे जे आहे त्या काटेकोर पद्धतीने पालन करूनच ह्या शाळा सुरू केल्या जातील। येथील महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, जिन्होंने कहा कि स्थानीय लेवल पर चर्चा के बाद स्कूल को खोला जा सकता है। ये तो हो गई प्रशासन की बात, लेकिन क्या स्कूल्स खोल देने के बाद छोटे बच्चे कोरोना नियमों का पालन करेंगे? जैसा वर्षा गायकवाड़ जी कह रही थी कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए सब कुछ करना है, क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल्स में पढ़ने वाले वो लोग कोरोना नियमों का पालन करेंगे? अरे यहाँ शर्म की बात है कि बड़े लोग पालन नहीं करते हैं। राजनीति में सत्ताधारी हो या गैर सत्ताधारी, कोई भी कोरोना नियमों का पालन कर रहा है? कभी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती है, आंदोलन करती, कभी बीजेपी कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, सभी लोग जो हैं वो धड़ल्ले से घोषणाबाजी करते हैं, आंदोलन करते हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां करते हैं, कभी कोई रैली निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं। जब बड़े ही कोरोना नियमों का पालन नहीं करते तो बच्चों से आप कैसी अपेक्षा करते हैं कि वो लोग कोरोना नियमों का पालन करें, वो भी स्कूल्स में जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। सामान और ढोर के जैसा तो रिक्शा वाले जो हैं वो बच्चों को भर भर के लेके जाते हैं, ऐसे समय में कैसे कोरोना रोक पाएगा? एक ही रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में 10-10, 12-12 बच्चे भर भर कर साथ में लेके जाते हैं, कोई एक बच्चा बीमार हुआ तो वो सभी बच्चों को बीमार कर देगा। कौन ध्यान रखता है? कोई नहीं ध्यान रखता है। जो अभिभावक हैं वो खुद ध्यान रखते हैं। एक बार बच्चे को रिक्शा में बैठा दिया तो उनको लगता है 4 घंटे की छुट्टी हो गई, अब हम लोग 4 घंटे तक आराम से रहेंगे, बच्चा स्कूल में चला जाएगा। साहब ये तो ध्यान रखिए कि रिक्शा वाला आपके बच्चों को किस तरीके से लेके जा रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी तो बच्चों को देखकर कि बच्चे नहीं जानवरों की तरह उनको भर कर ले जाया जाता है। तो ऐसे समय में क्यों नहीं कोई कार्यवाही होती है? ना आरटीओ विभाग कोई कार्रवाई करता है, ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, और उधर दूसरा क्या कार्रवाई करेगा यार? अभिभावक ही कार्यवाही नहीं करते हैं। अभिभावक पता नहीं किस चीज़ को बचा रहे हैं, क्या पैसे बचा ले रहे हैं, कि क्यों नहीं खड़े होते हैं उस ऑटो रिक्शा वाले के खिलाफ कि नहीं मेरा बच्चा इस तरीके से नहीं जाएगा, मेरा बच्चा व्यवस्थित जाएगा, हम पैसे पे कर रहे हैं ना आपको, फिर इस तरीके से क्यों? और स्कूल वालों को भी चाहिए, देखे तो सही कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है ऑटो रिक्शा से आ रहा है, भीड़भाड़ से आ रहा है, उसका ध्यान रखे, ऑटो रिक्शा वाले को बोले, बच्चों को किस तरीके से सैनिटाइज कर पाएंगे, उनका किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे, सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन कोई देखता नहीं है। ये दुख की बात है। स्कूल वाले तो सिर्फ फीस के लिए स्कूल चाहते हैं कि खुल जाए, बस फीस मिल जाएगी उनको, भले से फिर से कोरोना का लॉकडाउन लग जाए, एक बार उनके सालाना फीस मिल गई फिर जय श्री राम, कोई भी मतलब नहीं है उनको कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। कई सारे अभिभावकों की यही शिकायत रही है कि पढ़ाई ही नहीं हुई है लॉकडाउन पीरियड में, तुम्हारा अपना पढ़ लो, ऑनलाइन में किसी का कैमरा नहीं चल रहा है, किसी का कुछ नहीं चल रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब पढ़ने के बाद बच्चे लोग खुद से पढ़ लिया, अभिभावकों ने उनको खुद से पढ़ा दिया, जब रिजल्ट की बारी हुई, एग्जाम की बारी हुई, तो पहले रोकड़ा,
बाद में बाकी कुछ किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया, किसी भी तरह की मुरव्वत नहीं की गई। पहले फीस भरिए, बाद में आपके रिजल्ट्स देखेंगे, बाद में आपको हम किसी तरीके का लिविंग सर्टिफिकेट देंगे, ये शर्त रखी थी स्कूल वालों ने। और शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट्स को जो लोग सिर्फ पैसों को तवज्जो देते हैं। साहब मेरे पास तो ऐसे से शिकायत है, कई स्कूल तो ऐसी थी जिनकी बसेस नहीं चल रही थी, जिनके ऑटो नहीं चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑटो फी और बस फी भी उसके अंदर लिख के अभिभावकों से उसकी भी मांग की। छूट का तो नाम ही छोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ स्कूल्स के लोग भी जो काम करने वाले थे उनको मैनेजमेंट को पैसा देना पड़ा होगा, लेकिन साहब आप इतने सालों से कमा रहे हैं, एक साल अगर नहीं कमाए तो आप कुछ गरीब नहीं हो जाएंगे। लेकिन कम से कम जो अभिभावक साल साल भर कुछ कर नहीं पा रहे थे उनकी जेब खाली करके आपको क्या मिलेगा। फिलहाल देखने की बात तो ये होगी कि स्कूल जब खुलती है तो क्या कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन होता है, क्या बच्चे अपना ध्यान रख पाएंगे। ध्यान रखिए, बच्चे आपके हैं, अभिभावकों की जिम्मेदारी है, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि वो लोग बच्चों का ख्याल रखें। जय हिंद।